हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस यहां पर दोस्तों त्रिमासिक परीक्षा 2024 सच्ची दिशा भौतिक शास्त्र होने वाला है। कक्षा आपका 12वीं सेट ए आपके लिए लेकर आ गए हैं। फुल सॉल्यूशन आपको यहां पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी। संपूर्ण आपको PDF वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख दोस्तों समय आपका 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक आपका देख दोस्तों 70 अंक होने वाला है। निर्देश आपके ये दिए गए हैं। तो फुल सॉल्यूशन आपको AC वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और यहाँ पर देख दोस्तों सबसे पहले आपका पूछा गया प्रश्न नंबर पहला, तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हम आपको 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो जितने जल्दी हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर पहला आपका दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं, किसी एक को आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका वायु में एकाग्र धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे, पहले वाले का लगा लेंगे द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी तो यहाँ पर फैराडे ने, और स्वप्रेरकत्व की इकाई है तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर चौथे का आ वाला यानी कि एम्पियर। इसके बाद है आपका यहाँ पर पाँचवें में पूछा गया आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AC जनरेटर। कौन सा एक लोह चुंबकीय पदार्थ है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका निकिल यानी बा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला आपका है जिन प्रतिरोधों में ओम के नियम का पालन नहीं होता है उन्हें डॉट डॉट प्रतिरोध कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाए आपका अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है ना। अनओमीय प्रतिरोध आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारावाही पन्नाल का डॉट डॉट की तरह व्यवहार करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दंड चुम्बक। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, दंड चुम्बक, इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव डॉट डॉट रहता है तो इसका तीसरे का करेक्ट आंसर जो है आप लोग यहाँ पर तीसरे में लिखेंगे आप लोग संरक्षित। क्या लिखेंगे, संरक्षित, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया है यहाँ पर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर आवेश के प्रवाह की दर को डॉट डॉट कहते हैं तो यहाँ पर कहते हैं विद्युत धारा, इसका आप लोग आंसर लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया था किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आवेश संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसमें पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जे थॉमसन। क्या जे थॉमसन, इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। अभी तक आपने नहीं किया यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन तो वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो। यहाँ पर देख दो इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है सत्य असत्य बताइए। तो 5 अंक आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे जिसमें आपको 2 समविभव फिस्ट्स कभी एक दूसरे को नहीं काटते तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सत्य। इसके बाद विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है तो यहाँ पर दूसरे का आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद दोस्तों किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की परंपरागतता 1 से नहीं अधिक होती है तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरे का आपका सत्य। ट्रांसफार्मर का उपयोग DC परिपथ में किया जाता है तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य। और किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सत्य असत्य कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आ और बा आपका ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको पहला दिया गया संधारित, तो संधारित जो है आपका ये मिल जाएगा यहाँ पर चार्ज का भंडारण। इसके बाद दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की इकाई है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम मीटर। लॉरेंज वाला जो है आपका तीसरा, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। पारस्परिक प्रेरण जो आपका है 14, तो ये मिल जाएगा आपका हेनरी से। और प्रेरित EMF तो है आपको 5वां, तो 5वां आपको मिल जाएगा यहाँ पर F वाले से यानी चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन। और किरचॉफ का नियम जो है आपका ये मिल जाएगा आपका D वाले से, जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही जोड़ी यानी कि मैचिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है। फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में बताएंगे हम, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 5 होने वाला है जिसमें आपको एक शब्द यानी एक वाक्य में जो आपके उत्तर होते हैं वो आपके 5 होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला आपका पूछा गया उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है संधारित्र, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संधारित्र। इसके बाद सेकंड है आपका आवेशित खोखले के अंदर विभव कितना होता है, तो यहाँ पर आवेशित खोखले के अंदर यहाँ पर देख सकते हो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे
आवेशित खोखले के अंदर पृथक बिंदु पर विभव एक समान तथा वायव पृष्ठ के विभव के बराबर होता है, ठीक है ना। इसका आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा आपका पूछा गया है, तो तीसरे का आंसर आप लोग लिखेंगे 10^29 प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना, मीटर क्यूब 3 की घात आप लोग लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों विशुद्ध पेड़ की परकत में शक्ति गुणांक का मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। एसी के शिखर मान और आरएमएस मान के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे VRMS बराबर V0/√2। ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 आपका एक कूलम आवेशित को परिभाषित कीजिए, संभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, तो देख सकते हो ये आपके सभी प्रश्न आपको देख लेने हैं। इसके बाद हम आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हो ये आपको प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10 आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपका देख सकते हो, ट्रांसफार्मर में कोर पत्ता क्यों बनाया जाता है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय में 2 अंतर आपको बताने हैं, विद्युत चालक और विभवांतर में अंतर बताने हैं। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी की जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 17, 18 और इसके बाद आपको देख सकते हो 19 और 20 आपके दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी प्रश्नों का बिना किसी देरी के साथ यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए चैनल को सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो प्रश्न नंबर आपका पहला है, तो पहले का आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें का आंसर इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 था, जो रिक्त स्थान के पहले में, दूसरे में आपका धन चुंबक, तीसरे में संरक्षित, चौथे में विद्युत धारा, पाँचवें में आवेशित संरक्षण और जे जी थॉम्सन आपका छठे में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 के आपके दोस्तों पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा, चौथा असत्य और पांचवा असत्य। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपका दिया गया मैचिंग, तो ए वाला आपका दोस्तों और दूसरा आपका ए से, तीसरा ई से, चौथा बी से और पाँचवा एफ से और छठवां आपका डी से मिलान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया था प्रश्न नंबर 5, तो यहाँ पर पहले में संधारित और दूसरे में आवेशित खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान तथा वायु बल पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे में आपका आंसर ये दिया गया 10^-, यहाँ पर 10^29 मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब 0 हो जाएगा, VRMS बराबर V0/√2। इसका आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का आंसर यहाँ पर दोस्तों एक कूलम आवेश वायु आवेश जो अपने के बराबर एक सजातीय आवेश में हवा या निर्यात में 1 मीटर की दूरी रखने पर उसका यहाँ पर 9×10^9 न्यूटन प्रति कर्षण बल आरोपित करता है, यहाँ पर उसको एक कूलम आवेश परिभाषित करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका दोस्तों संभव पृष्ठ की विशेषताएँ आपको दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 7, तो यहाँ पर इसको आपको पूरा का पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 7 का अथवा देख पा रहे होंगे, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें आपको विमीय सूत्र भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 में आपका देख सकते ये इसका आंसर दिया गया है, तो आप लोग फटाफट इसको लर्न कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था प्रश्न नंबर 8, तो अपवाह वेग जो था आपका यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर था प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका दिया गया है। इसके बाद जो आपका था यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 में अन्योन्य जो आपका था यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आपका था यहाँ पर दोस्तों अभी तक आपने इसकी PDF डाउनलोड नहीं की टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप लोग फटाफट यहाँ पर PDF डाउनलोड कर लेना जितने जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, यहाँ पर जो अथवा था आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रेरण में अंतर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था प्रश्न नंबर 12, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। नेक्स्ट जो था यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 आपका दोस्तों ये दिया गया है, और नेक्स्ट इसके बाद जो आपका अगला था प्रश्न नंबर 13 का अथवा, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये दिया गया है। आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर अथवा सहित हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोग वहाँ पर नोटिफिकेशन आ सके आराम से। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का अथवा दिया गया है आपका व्हीटस्टोन सेतु, तो आपको इसका सॉल्यूशन एकदम सरल भाषा में चाहती हैं तो आप हमारे ग्रुप पर देख लेना, वहाँ पर एकदम आपको सरल शब्दों में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों चल कुंडली गैलवे जो इसकी दी गई है आपकी, इसको आपको पूरा इस प्रकार से तैयार करना है। अगर आपको याद पहले से है तो इसको आप लोग लर्न नहीं करना, पहले से अगर आप लोग याद कर रखा है तो आप लोग अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 16 दिया गया है समाधान, तो ये आपका यहाँ पर कर लेना है पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके बाद आपको दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का अथवा दिया गया है, इसके बाद है आपका
प्रश्न नंबर 17 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत चुंबकीय तीव्रता। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 17 का, अथवा आपका यहाँ से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर आपका जो नेक्स्ट था प्रश्न नंबर 18, तो 18 का अथवा यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको देख सकते हो फुल सॉल्यूशन आपको 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हम आपको बाकी की जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बताएंगे। तो आप लोग वहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लेना जितने भी बच्चे हैं, तो वहाँ पर आप लोग एक बार जरूर से चेक कर लेना, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको दे दी जाएगी संपूर्ण। तो आप लोग वहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लेना जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।